हाय गाइस, आप देख रहे हैं के इलेक्ट्रिक। आज हम आपको दिखाएंगे कि हम एक मोटर वाइंडिंग की जो फर्मे होते हैं, किस फर्मे का कहाँ यूज़ किया जाता है, आप इस वीडियो में आज समझ सकते हैं। गाइस, कुछ फर्मे होते हैं जो हमें ऑलरेडी समझ में आते हैं और कुछ फर्मे होते हैं जो कि समझ में नहीं आते हैं कि यह कोईल ऊपर नीचे क्यों बनती है। गाइस, कुछ कोईल जो कि आप इस वीडियो में पूरा समझ सकते हैं। गाइस, आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसी प्रकार की कुछ न्यू जानकारी पा सकें और इसे अपने ऊपर अप्लाई कर सकें। गाइस, जैसा कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सकता है और आपके क्लोज फ्रेंड जो कि आपसे रिलेट करते हैं उनके लिए भी उपयोगी हो सकता है। गाइस, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। ओके, हाय गाइस, यह होता है हमारा सिंगल फेज फर्मा। इस सिंगल फेज फर्मे से हम सिंगल फेज मोटर को वाइंडिंग कर सकते हैं। गाइस, इस फर्मे में यह चार कॉइल्स बना सकते हैं। यह और कुछ ज़्यादा कॉइल्स में भी अवेलेबल होता है। गाइस, इसमें जैसे कि आपको 8, 10, 12 और कुछ जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 6, 8, 10, 12 इस प्रकार कॉइल बन सकते हैं। गाइस, जब भी हम चार कोइल एक साथ बनाते हैं जो कि एक एक गेज की दूरी पर होती हैं, एक के ऊपर एक कॉइल डलती हैं, इस कॉइल को बनाने के लिए आप इस फर्मे का उपयोग कर सकते हैं। गाइस, इसे सिंगल पेज फर्मा बोला जाता है ताकि इसमें ज़्यादातर मोटर्स सिंगल पेज की ही वाइंडिंग होती हैं। गाइस, इस फर्मे में यह ऊपर नीचे वाली जिसमें चक्की की मोटर साथ में कुछ सिंगल पेज मोटर जैसे कि 1 HP मोटर और जो कि पानी के अंदर की पनडुब्बी मोटर होती है सिंगल पेज वाली 1 HP 1.5 HP, इन मोटरों का वाइंडिंग करने के लिए इस फर्मे का उपयोग किया जाता है। गाइस, सिंगल पेज में यह जैसे कि चार चार कोइल का कुछ सेट बनते हैं। इसमें चार कोइल के अलावा भी और जैसे कि 3 कोइल वाले सेट जो कि 8, 10, 12 में होते हैं वह भी बनते हैं। जैसे कि इसमें स्टार्टिंग में होता है जो कि 1, 10 और 12 में सेट होता है वह भी बनता है। इससे 4 इंची सिंगल पेज मोटर को और सभी मोटर्स को आप वाइंडिंग कर सकते हैं। गाइस, यह फर्मा इसी प्रकार यूज़ किया जाता है और इसे आप गाइस इस फर्मे को आप कुछ इस प्रकार एक पत्ती के ऊपर कसकर इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसमें एक तरफ छेद होते हैं और एक तरफ खिसकाने वाला पॉइंट होता है जिससे कि आप इसे अच्छी तरीके से सेट कर सकते हैं और कॉइल को बना सकते हैं। गाइस, इसमें हम कॉइल को बनाकर इसमें सेट कर सकते हैं कि हमें कितनी लंबाई की कॉइल बनानी है और जितनी लंबाई की कॉइल हमें बनाने होते हैं हम इसे में बना सकते हैं। गाइस, इस फर्मे का यूज़ इस प्रकार किया जाता है, इस प्रकार कसके इस पर कोइल बनाई जाती है। गाइस, इसके अंदर होता है, यह होता है हमारा 3 पेज फर्मा। 3 पेज फर्मा जो कि 3 पेज मोटर को वाइंडिंग करने के लिए यूज़ होता है। इसमें दोनों तरफ एक लेवल में नीचे की तरफ दोनों साइड के पॉइंट नीचे की तरफ होते हैं और उसके बाद दोनों बीच के पॉइंट होते हैं वह थोड़े उठे हुए होते हैं। गाइस, इसमें कि नीचे वाले पॉइंट में हमारी 1 से 10 वाली कोइल आती हैं और ऊपर उठे हुए पॉइंट में हमारी 1 से 12 वाली कोइल आती हैं, इसलिए इस फर्मे का यूज़ किया जाता है और इस फर्मे से हम मोटर को वाइंडिंग कर सकते हैं। जबकि आप सिंगल पेज में देखते हैं कि वह एक के ऊपर एक उठा हुआ होता है, जबकि इसमें 2 बीच में एक जैसे पॉइंट होते हैं जबकि 2 साइड में एक जैसे पॉइंट होते हैं और इस फर्मे का यूज़ हम 3 पेज मोटर को वाइंडिंग करने के लिए करते हैं। गाइस, यह हमारी पनडुब्बी मोटर के लिए यूज़ होता है जबकि बाहर की मोटर के लिए यह फर्मा यूज़ नहीं होता है। गाइस, आप इससे बाहर की मोटर को भी वाइंडिंग कर सकते हैं पर उसे कुछ अलग प्रकार से वाइंडिंग करने पर इसमें यूज़ नहीं होता है। गाइस, वह लहर में वाइंडिंग होती हैं जिसमें अद्धे की वजह से इस फर्मे का यूज़ नहीं किया जाता है और इस फर्मे का यूज़ पानी के अंदर वाली मोटर को वाइंडिंग करने के लिए किया जाता है। इस फर्मे से हम समर्सिबल मोटर, 4 इंच मोटर और सभी प्रकार की मोटरों को हम इस फर्मे की सहायता वाइंडिंग कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। यह
थ्री फेज मोटर का फर्मा। यह थ्री फेज मोटर को वाइंडिंग करने के लिए यूज़ होता है। यह हमारी बाहर की मोटर जो कि पानी से बाहर की होती हैं, जिसके अंदर पानी नहीं होता है, और यह फुटबॉल वाली मोटर होती हैं जो कि नीचे और ऊपर पाइप लगाकर जिसमें ऊपर की तरफ पानी खींचा जाता है, इस मोटर का फर्मा होता है। इसमें कॉइल को बनाया जाता है। यह एक सेम कॉइल को एक मोटर में डालने के लिए यह फर्मा यूज़ किया जाता है। गाइस, इस फर्मे से जैसे कि हमारी थ्री पेच मोटर, जैसे कि 3 HP मोटर जो कि 1 से 10 में वाइंडिंग होती है, उसके लिए इस फर्मे का यूज़ किया जाता है। और जैसे कि जो मोटर हमारी जैसे कि 36 स्लॉट मोटर जो कि 1 से 8 में वाइंडिंग होती हैं, और जो चक्की मोटर होती हैं वो भी 1 से 8 में, थ्री फेज मोटर ऑलरेडी थ्री फेज मोटर को वाइंडिंग करने के लिए इसी फर्मे का यूज़ किया जाता है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं।